कोरोना वायरस का कहर देश और दुनिया में लगातार जारी है, जिसके चलते पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर भी बड़ी असर पड़ा है। लेकिन कोरोना वायरस का ग्रहण त्योहारों पर भी देखने को मिला है। ईद से लेकर रक्षाबंधन तक के सभी त्योहार कोरोना वायरस के चलते सीमित दायरे में सिमट कर रह गए। अब भारत में प्रमुख तौर से मनाया जाने वाला त्यौहार श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी इसी तरह मनाया जाएगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व का ब्रज क्षेत्र में खासा महत्व है, क्योंकि श्री कृष्ण जन्मस्थली मथुरा है और आगरा भी ब्रज क्षेत्र में ही आता है। त्योहारों को मनाने के लिए प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां कोविड-19 गाइडलाइंस के अनुसार पूरी कर ली गई हैं। वहीं आगरा के प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि त्योहारों को लेकर कोई भी नए दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए। साथ ही पुलिस द्वारा बाजारों में खासा एहतियात बरता जा रहा है, किसी भी तरह की भीड़ इकट्ठा करने की मनाही है। लोग अगर त्योहार के लिए खरीदारी करने के लिए जा रहे हैं तो उन्हें भी कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करना होगा। मुंह पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अपनाना जरूरी होगा। रिपोर्टर अर्पित राजावत, आगरा। ऐसे में सब जन्माष्टमी का त्यौहार आने वाला है, ऐसे में कोरोना को देखते हुए क्या कुछ व्यवस्था की गई है और प्रशासन क्या तैयारी की है? देखिए, कोरोना के संक्रमण के दृष्टिगत रखते हुए जो है त्योहारों के संबंध में प्रत्येक इलाके में हमारी मीटिंग जो है वो चल रही है। सभी थाना प्रभारी क्षेत्राधिकारी और मैजिस्ट्रेट को निर्देशित कर दिया गया है कि अपने अपने क्षेत्र के जो धर्मगुरु हैं, जो मंदिर के पुजारी हैं या जो है अन्य संभ्रांत लोग हैं, सभी लोगों से बातचीत कर ली जाए। जो शासन के निर्देश दिए गए हैं, किसी प्रकार का कोई पब्लिक प्लेस में कोई कॉमन इवेंट नहीं होना है, उसके संबंध में सभी लोगों को बता भी दिया गया है। और मैं ये भी कहूँगा कि अभी तक आगरा के जनपद के समस्त लोगों ने जो है जिस प्रकार से त्योहारों को विगत 3 महीनों में संपन्न कराया है, मैं फिर अपील करूँगा कि हम संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए, ये चूँकि बहुत ही ऐसा समय है जहाँ हमें सावधानी ज़्यादा बरतनी है, उसके दृष्टिगत रखते हुए जो शासन के निर्देश दिए गए हैं उसी के अनुरूप में जो है ये त्योहारों को संपन्न कराएं। सर, जन्माष्टमी को लेकर क्या तैयारी आगरा प्रशासन की कोरोना को देखते हुए? कोविड की सेंसिटिविटी जनपद में अभी बनी हुई है। अगर आप पिछले एक सप्ताह का केसेस देखें तो हमारा जो 2 मार्च को जो पहला जनपद में केस आया था, लास्ट वीक का आप केस देखेंगे, अभी तक पूरे वीक में हमारा सबसे ज़्यादा केस आया है। टोटल लगभग 213 के आसपास केस आए हैं। हम लोगों ने अभी जनपद में जो हमारे धार्मिक संस्थान है उसको बफर जोन माना हुआ है। बफर जोन ऐसा जोन होता है जहाँ हमें लगता है कि उसको करने से वहाँ केसेस आएंगे। अभी वही स्टेटस रहेगा, कोई नई चीज़ें नहीं की जा रही हैं। आस्था है, आस्था हम अपने घर में भी रह के कर सकते हैं। तो लोगों से अपील है कि जिस तरह हमने सारे त्यौहार अपने घर में रह के मनाए हैं, वैसे ही यह भी मनाएं। कोई नई छूट, कोई नई अभी ऐसी कोई इजाज़त नहीं दी गई।